गर्मी आने से पहले इतनी गर्मी हो गई है, गर्मी आने के बाद पता नहीं कितनी गर्मी होगी। यार अभी फरवरी है और फरवरी में इतनी ज़्यादा तेज धूप, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और ये बिल्डिंग जब मैंने बहुत दिनों से व्लॉगिंग स्टॉप कर दिया था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह हो रहे थे और मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी। मतलब एग्ज़ाम के बाद अचानक से मैं स्टार्ट ही नहीं कर पाई, मुझे लगा कि अरे ठीक है टाइप्स, मतलब ऐसे। फिर बहुत लोगों के मैसेज वगैरह आने लगे मेरे पास कि अरे तुमने वीडियोज़ बनाना क्यों बंद कर दिया, स्टार्ट करो। और ये बिल्डिंग जो आप पीछे देख रहे हैं वो जो हॉस्टल था, जब मैंने अपनी वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था तो ये बस एक नीचे वाला फ्लोर बना था। और देखो क्या सही पूरी बिल्डिंग बन गई है यहाँ पे, और रोड भी बन गई गाइस, मस्त घर के सामने एकदम बढ़िया रोड बन गई है। एक्चुअली जनवरी और फरवरी में मेरे एग्ज़ाम्स थे और फिर मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन कर लिया था, तो इस वजह से मैं मतलब थोड़ा सा ब्रेक हो गया था वीडियोस में। बट अब ट्राई करूँगी कि डेली वीडियोस बने। मतलब ऐसा मुझे भी मन करता है, मतलब मेरा तो शौक ही था व्लॉगिंग, इसीलिए मैंने स्टार्ट ही किया था। बट इंटर्नशिप वगैरह की वजह से थोड़ा सा बीच में बंद करना पड़ा क्योंकि टाइम मेरा जो 12 बजे होता है इन टाइम, मतलब ऑफिस टाइम जो होता है मेरा 12 बजे मुझे ज्वाइन करना रहता है, 12 बजे से 6 बजे तक, तो पूरा टाइम इसी में लग जाता है। बट अब मैं थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के व्लॉगिंग करूँगी और फोकस करूँगी व्लॉगिंग पर भी। तो मेरा ऑफिस स्टार्ट हो गया था बट अभी मैंने ब्रेक लिया है लंच टाइम, लंच वंच करके आते हैं। काली आओ आओ, काली आओ, काली आओ। हे कैसे, ऊपर कैसे आऊँ, सीढ़ी किधर से है? आ इधर से आओ, इधर से ऐसे घुसो। नया पति क्या? नहीं मुझे तो सीढ़ी चढ़ना नहीं आता, बस मैं तो रोड पे घूमती हूँ। जब से ये रोड बनी है तब से काली को इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि इतनी ऐसे कूद रही है, इतनी तेज की, पूछो ही मत। मेरी स्कूटी सुबह से बाहर खड़ी है यार, बहुत सही रोड बन गई है, तब पूरा एकदम वाइट अच्छी। तो मैं दोपहर में नीचे गई, मतलब 12 बजे से मेरा ऑफिस स्टार्ट होता है और शायद 1 या 1.5 बज रहा था, मतलब मैक्सिमम मैंने 2 घंटे बस काम किया होगा। अब मैं नीचे गई लंच करने, नीचे लंच करने के बाद मैं सो गई वहाँ पे, और 6 बजे शाम को मेरा ऑफिस की मीटिंग का टाइम होता है मतलब। और अभी मैं 5:30 पे सो के उठी हूँ और 6 बजे मेरी मीटिंग है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मीटिंग में क्या बोलूँगी, किस में क्या बोलूँगी, पर मैं उस टाइम ये सोची कि सो जाती हूँ, किसी को क्या ही पता, मतलब ऑफिस वालों को क्या ही पता चलेगा। पर अब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। पर जो मेरा टास्क था, मतलब मुझे वीडियो का एक टास्क मिला था, वो तो मैंने कंप्लीट कर ही लिया था, मतलब मैंने तो अपना काम कर लिया था, उसके बाद मैं सोई थी। तो कोई बात नहीं, कभी कभी तो सो सकते हैं, इट्स नॉर्मल, चलता है। और आज मैं जाऊंगी एक लाइट शो देखने, तो पता नहीं वो कितने बजे स्टार्ट होता है, शायद 7 o'clock स्टार्ट होता है, 7 o'clock जाएंगे देखेंगे, आप लोग को भी दिखाऊंगा। गाइस क्या सही रोड बनी है, वहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है, चल के देखा जाए। है आंदे आंदे, ओ अच्छा, आओ काली आओ, काली आओ। हे कहाँ घूमने जा रही हो क्या? हाँ आओ आओ, जल्दी आओ, घूमने जा रहे। गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इतनी भीड़ हो रही है। मस्त पिल्लू और काली यहाँ बैठ के नज़ारा ले रहे हैं, वहाँ पे शायद वो जो काउगेजर था उसको उखाड़ा जा रहा है। ओ शिट, हे प्रांशु दीदी ये क्या हो रहा है? काउगेजर उखाड़ा जा रहा है। काली काली अब तुम अपने घर कैसे जाओगी? हे घर, यही तो है मेरा घर। नहीं काली तुम वहाँ रहती हो, तुमको नहीं पता क्या? ओहो आपने मुझे पराया कर दिया, मैं तो अपना घर यही समझती थी। क्या सही रोड बनी है, पहले यहाँ पे पूरा मिट्टी 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 था, अब एकदम अच्छी रोड बन गई। हम लोग का जोमेटो का पार्सल आने वाला है और यहाँ पे इतने ढेर सारे लोग खड़े हैं।
काली आओ, काली इतनी प्यारी है तुरंत बात सुन लेती है। काली ये शेक हैंड भी करेगी, ये देखो क्या काली, क्या क्या काली, आओ हाथ मिलाओ काली। जब इसको समझदारी दिखानी होती तब नहीं दिखाती। वो हम लोग का जोमेटो का पार्सल आ गया, हाथ हिला हिला के बता रहे हैं। काली 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 नहीं था कि मुश्किलों के सामने से ले जाना। फिर से जाओ रिकॉर्ड करेंगे यार, इतनी मुश्किल से वो मतलब वहाँ से ऐसे मतलब ले नहीं पा रहे थे हम लोग पार्सल, तो वहाँ से वो अंकल पार्सल वाले अंकल आए और इधर कूद के दीवार से दिए थे, और वो चीज़ मैंने रिकॉर्ड किया था पर वो सेव ही नहीं हुआ यार, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ वो पता नहीं कैसे पता नहीं क्या कर रहा। ओ भाई पूरा खड़ा कर दिया था। ओ, काली दब गई थी बच्चे, मतलब काली की पूंछ दब गई थी बच्चे। मम्मा पता है इतना अच्छा था वो, मतलब वहां पे पूरा कॉकेचर निकल रहा था ना, तो वो रिकॉर्ड करना था पर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। वो अंकल ऐसे कूद दीवार मतलब ऐसे आके दिए थे पार्सल, उधर से आएंगे क्या वो अंकल ही थे बुद्धू राम। हमने बोला कहाँ है, वो बोला कि यहीं है भैया का गोकुल धाम कॉलोनी के बाहर। हम बोले हम भी यहीं है, दिख नहीं रहे। मुझे लगा वो अंकल थे। यहाँ लड़ाई हो रही है यहीं पे, यहाँ पे लड़ाई नहीं हो रही, ये काम हो रहा है। कोई बात नहीं, मिल तो गया ना। काली काली ले चल दी, काली आओ, काली आओ आओ, काली खिलाए बिरयानी, आओ आओ अंदर आओ, अपने घर की छत से बारात देखता हुआ। मुस्लिम का है श्री राम बोस, तभी जय श्री राम बजा ही रहा। जय जय श्री राम। क्यों हाँ हमका पीनी है, पीनी है हमका पीनी है बल्ले यार। इधर से मैंने रूम बंद कर दी, गजब गजब लोग है भैया गजब। चलो चलो लेके चले, काली की बिरयानी देखो, मिलावटी बिरयानी, काली की मिलावटी बिरयानी। काली पता नहीं कहाँ, ओ वो बेचारी काली वहां फंस गई है। मतलब वहां पे बीच में काउ कैचर लगा हुआ था, वो निकाल दिया गया है तो बीच में पूरा गड्ढा हो गया है और काली उधर ही फंस गई है। काली के लिए मैं खाना भी रख के आई थी।